हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थैनोस के बारे में और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे फैंस के मन में है और अवेंजर एंड गेम के देखने के बाद में आपके मन में भी डेफिनेटली आया होगा। हमने देखा अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो थैनोस था वो इतना पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल वो अवेंजर एंड गेम में था। और अब हमारे पास ऑफिशियल जो है वो आंसर आ चुका है मार्वल की तरफ से, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट सचिन निगम और चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा रोजदन ऐप के बारे में, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं। और रोजदन ऐप इज़ एन अमेजिंग ऐप, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ऐप। ये ऐप कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और जितने भी मार्केटिंग में और प्ले स्टोर में जितने भी ऐप्स हैं जो आप कहते हैं कि आप रियल मनी कमा सकते हैं, ये उससे 10 गुना बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नॉर्मली इस ऐप में साइन इन करते हैं तो आपको 25 कॉइंस मिलेंगे जो कि आप रिडीम कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसे साइन अप करते हैं, मेरा रेफरल कोड डालते हैं, तो यू विल गेट 50 कॉइंस इमीजिएटली। और बहुत ही अच्छी ऐप है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस ऐप पर आपको लॉग इन करना है और इनके जो आर्टिकल्स हैं वो अपने चेकआउट करने हैं और दोस्तों के साथ शेयर करने हैं। एंड दिस ऐप विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली, बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड है इस ऐप में और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो रोजदन ऐप डेफिनेटली डाउनलोड करना बनता है, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना, इट्स इज एन अमेजिंग ऐप। और सिर्फ कॉइंस ही नहीं, इस ऐप से आप पेटीएम कैश भी कमा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड जस्ट बाय रेफरिंग। और बहुत ही अमेजिंग ऐप का डेफिनेटली आपको चेकआउट करना, कुछ नहीं करना, गेम्स खेलो, आर्टिकल पढ़ो, लोगों के साथ शेयर करो एंड सून यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑफ द पेटीएम। तो बिल्कुल भी भूलना मत रोजन ऐप को डाउनलोड करना। और चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि थानोस इतना पावरफुल क्यों था एवेंजर एंड गेम में, और ये शायद मेरा अकेले का क्वेश्चन नहीं है, ये तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था और हमने बहुत टाइम से इसका वेट किया कि मार्वल स्टूडियोज़ वाले या फिर केविन फाइगी या फिर जो रूसो अपना आके आंसर बताएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई भी आंसर नहीं दिया। बट फाइनली हमें एक VFX जो काम करते हैं थानोस के VFX पे, उन्होंने इस बात के बारे में आंसर दे दिया है कि थानोस एंड गेम में इतना पावरफुल क्यों था। मैं करेक्ट करना चाहूँगा उनके स्टेटमेंट को और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि थानोस जो है वो एवेंजर एंड गेम में पावरफुल था, क्योंकि एवेंजर एंड गेम में तो उसके पास में इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी नहीं था जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी और ताकतवर चीज़ है, वो तो उसके पास सिर्फ उसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर था। और इन्फिनिटी वॉर के थानोस में और एंड गेम के थानोस में बहुत सारे फ़र्क हैं और मेनली दो तीन फ़र्क है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले एंड गेम वाला जो थानोस है वो 2014 वाला थानोस है जिसका गोल अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो चाहता है अपने गोल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना और इसलिए उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। हमने देखा एवेंजर एंड गेम में जब थानोस की एंट्री होती है तो वो ऑलरेडी एक प्लैनेट को मारकर आ रहा होता है, यानी एक प्लैनेट को डेसिमेट करके या फिर उसकी हाफ पॉपुलेशन को ख़त्म करके वापस आ रहा होता है। इसका मतलब यह है कि वो जो थानोस है वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है और काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है। लेकिन अगर हम बात करें 2018 वाले इन्फिनिटी वॉर वाले थानोस की, तो हमने देखा कि इन्फिनिटी वॉर के शुरू में ही जब उसको अपना स्पेस स्टोन यानी कि टेसरेक्ट मिल गया था, उसके बाद उसने पावर स्टोन के साथ मिलाकर अपना आर्मर को उतार दिया। और डेफिनेटली यहाँ पर हमने देखने को एक चीज़ मिली कि उसके बाद, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ चुका था, उसको अपने आर्मर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी क्योंकि उसके पास दो इन्फिनिटी स्टोन ऑलरेडी थे और वो ये बात जानता था कि अब बाकी के इन्फिनिटी स्टोन भी उसकी पहुँच से दूर नहीं है। लेकिन एंड गेम के अंदर हमने देखा कि थानोस कुछ भी करना चाहता था, कुछ भी कैसे भी वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथ में लेना चाहता था और इसलिए वो वायलेंट हो गया था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था एवेंजर एंड गेम में। दूसरा जो कि मेरे को लगता है पॉइंट बहुत ज़्यादा मेंशन करने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि एंड गेम वाला जो थानोस था उसके पास सारी चीज़ें मौजूद थी, जिसको वो प्यार करता था उसकी बेटी गमोरा भी उसके साथ में थी। बट 2018 के अंदर हम जानते हैं कि थानोस ने खुद ही अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया सोल स्टोन के लिए और उसके बाद उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। थानोस का एक क्लियर विजन था जो कि वो बताता है एवेंजर्स को कि मैं हाफ पॉपुलेशन की मेहनत नहीं ख़राब करना चाहता और हाफ पॉपुलेशन को बचाना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपने इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं जो हाफ लोग हैं उनके बारे में सोचकर उनकी ज़िंदगी को बचा सकूँ। हमने देखा कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो थानोस था वो थोड़ा सा काम था और थोड़ा शांत रहता था और वो बाकी के लोगों के बारे में सोचता था। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं जब थानोस 2014 वाले थानोस एवेंजर एंड गेम में हमें देखने को मिला, तो थानोस का फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल था वो यही था कि हाफ पॉपुलेशन को डेसिमेट कर दिया जाएगा और हाफ को बचा दिया जाएगा। बट जब उनको पता चल जाता है एवेंजर्स के बारे में और थानोस जब कहता है कि अब मेरा प्लान कुछ और था, बट अब तो मैं इस पूरे प्लान को ख़त्म कर दूंगा, एक नई रियलिटी बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर थानोस एवेंजर्स को देखने के बाद में गुस्सा हो गया था, उसको पता चल गया था कि मेरा गोल तो पूरा हो गया था बट इन लोगों ने मेरा गोल कंप्लीट नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं तरीके से ये इसको रिवर्स करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर थानोस वायलेंट हो गया था क्योंकि एक्चुअली में वो एक मैड टाइटन है और वो बिल्कुल पागल है और अपने गोल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ये थे गाइस ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कि थानोस एवेंजर एंड गेम के अंदर इतना पावरफुल और इतना ज़्यादा वायलेंट और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और हम सब ये सोचते रहते थे कि थानोस बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब हम ये बात जानते हैं कि थानोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है और उसने एक्चुअली में
एक्चुअली में एवेंजर्स को बहुत ही अच्छी टक्कर दी एवेंजर एंड गेम के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अब मेरे को पता है कि आपके बहुत सारे डाउट हैं अभी भी एवेंजर एंड गेम को लेकर, जितने भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं उन पर वीडियो बना दूँ। जिसकी रिक्वेस्ट मेरे पे ज़्यादा आएगी मैं उस पर पहले काम करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। रोजदन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेरा रेफर कोड भी यूज़ करना, इट हेल्प्स अ चैनल। अगर चैनल को हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली डाउनलोड दैट ऐप। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उसे चुनिंगा मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट 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 डे।